धमतरी के गांधी मैदान में बिजली विभाग के ठेकेदार के नीचे काम करने वाले 33 केवी सब स्टेशन के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धमतरी जिले में 33 केवी ठेकेदार के नीचे काम करने वाले करीब 400 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों ने ठेकेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार उनका वेतन समय पर नहीं देता, सरकार से मिलने वाले कई और योजनाओं का लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना लेबर लाइसेंस काम लिया जा रहा है और मजदूरी करवा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। मजदूरों ने ठेकेदार का नाम मनोज ढोल किया बताया है। साथ में ये भी बताया कि करीब साल भर पहले मगर लोड इलाके में रवि निर्मलकर नाम के एक मैनेजर ने ठेकेदार की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूर रवि निर्मलकर की विधवा भी धरना स्थल पर पहुंची थी और उसने बताया कि आज तक उसके पति की मौत के बाद मुआवजा नहीं मिला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मेरे पति रवि निर्मलकर विद्युत विभाग में 8 वर्षों से काम कर रहे थे 2015 से, और वो ठेकेदार ने उसको मानसिक आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्होंने सुसाइड नोट लिख कर आत्महत्या की और मनोज लग गया FIR हो गए हैं। 2 महीने हो गए FIR की, अभी भी कोई भी मतलब कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मांग है आपकी? मैं यही चाहती हूँ कि जो आरोपी है ठेकेदार उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे पति को न्याय मिले। मुआवजा भी मिलता है वो? जी हाँ, जो भी मतलब उसको सुविधा मिलना था वो सारी सुविधा मिले ताकि मैं अपने बच्चे का परवरिश कर सकूँ। अभी तक कुछ भी नहीं मिले हैं। कहाँ कहाँ शिकायत की? SP ऑफिस में की है, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी की थी और मगलोड थाने में तो मैं कल भी गई थी और वहाँ मतलब TI को बोली तो वो बोले कि मतलब हम लोग चेक कर रहे हैं ऐसे करके। तो इन लोगों का मेन जो उद्देश्य है, जो ठेकेदार होता है वो कहीं ना कहीं सबसे पहला उसका कारण है कि लेबर लाइसेंस नहीं लिया है और चला रहा है इतने दिन से। मतलब इतना फ्रॉड काम है कि भाई सबसे पहले तो लेबर लाइसेंस लेके उसको काम चालू करना, लेकिन उसने लेबर लाइसेंस नहीं लिया। दूसरा ये है कि ठेका तो लिया है लेकिन वो सारे अपने जो सब स्टेशन ऑपरेटर है उसका कहीं ना कहीं मानसिक शोषण कर रहा है। मानसिक शोषण का मतलब ये है कि भाई उसको जॉब से कभी भी निकाल देना बिना नोटिस के, बिना कारण के। कारण उसका जो रहता है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कारण नहीं है, मतलब परेशान करने का उद्देश्य से वो बाहर किया जाता है। तो आज का जो हम लोग धरना कर रहे हैं वो ध्यानाकर्षण रैली है एक दिवस, जिसमें ये मांग है कि जबरदस्ती जो लोगों को निकाला गया है उसको जॉब में पुनः बहाली किया जाए, ये मेन उद्देश्य है। दूसरा ये है कि भाई जब उसको बोलते हो कि मैं काम में रखा हूँ, वो बोलता है मैं निकाला नहीं, तो उसकी पूरी EPF ESIC और बोनस की पूरी राशि के साथ उसको निस्वार्थ भाव से उसको वापस किया जाए। अगर नहीं करती है तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगी। आप लोगों का मेन काम क्या रहता है? मेन काम ये रहता है कि सब स्टेशन ऑपरेटर का काम है, सब स्टेशन में जो फीडर रहता है वो लाइन बंद होता है उसको चालू करना, और कहीं पर काम हो रहा है तो उसको परमिट देने का काम ये सब स्टेशन ऑपरेटर का है। ठेका कंपनी का नाम और ठेकेदार का नाम? जी, ठेके कंपनी का नाम है यूनिक ट्रेडर्स और उसके प्रोप्राइटर है मिस्टर मनोज धोलकिया।